दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है चौराई का साग। ये साग आयरन से भरपूर होता है। आप देखिए, इसमें दो कलर का आता है, एक एकदम रेड कलर का आता है और एक ये ग्रीन कलर का आता है। इसमें बहुत ही प्रोटीन, हाई प्रोटीन होता है और इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। तो आइए आज इसको हम देसी तरीके से बनाना आपको सिखाएंगे। ये चौलाई का साग एकदम बिहारी स्टाइल से और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से इसको बनाना हम सिखाएंगे। कम से कम सामग्री में ये साग बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले इस साग को हम काट के बारीक धुल लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको काट के और ये धुल लिया है। देखिए, अच्छे से साफ़ कर देंगे। और इसमें हमने दो हरी मिर्च, 6 से 7 हमने लहसुन की कलियां उसको काट लिया है। और ये 2 इसमें प्याज लगेगा। प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले ये कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। शुद्ध सरसों का तेल से ही इसको बनाइए। इसको तेल को हम गर्म होने देंगे। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें तड़के में 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हींग इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई और लहसुन, कटा हुआ लहसुन भुनेंगे, थोड़ा सा लाल करेंगे इसको। ये देखिए, तड़का हमारा अच्छे से लाल हो गया है। तो अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे और इसको भी भुनेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें प्याज की हैवी क्वांटिटी ही पड़ती है, जिससे हमारा साग बहुत ही टेस्टी बनता है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसमें कुछ हम आलू काट के डाल देंगे। इसको प्याज के साथ हम भुनेंगे करीब 3 से 4 मिनट। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/2 चम्मच ही इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें सब्जी मसाला 1/2 चम्मच। इसको हम चला देंगे। 2 मिनट इसको भुनेंगे हम चलाते हुए, कि मसाला हमारा नीचे लगे ना। अब इसमें हम चौराई के साग को डाल देंगे। ये देखिए, साग हमने डाल लिया। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अब हम इसको ढक देंगे। इसको ढक के मध्यम आंच पे इसको पकाएंगे। कम से कम 10 मिनट इसको ढकेंगे मध्यम आंच पे। तो ये देखिए, 10 मिनट हो गया है। तो अब हम इसको ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए, साग हमारा गल रहा है। तो चला देंगे। तो अब इसको वापस से हम ढक देंगे। इस बारी हम 5 मिनट के लिए ढकेंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा चौलाई का साग बन के तैयार हो गया है। आप देखिए, कितना ही गजब का इसका कलर आया है। इसको आप दाल चावल के साथ खाइए, एंजॉय करिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।